सभी से रजत को दूर करने के लिए आशिका लेगी रजत की एक सबसे बड़ी कमजोरी का सहारा। स्टार्स के शो गुमी किसी के प्यार में की कहानी में सई की वजह से कह लो, सभी या रजत के एक दूसरे को समझने की वजह से कह लो, या सिचुएशंस की वजह से सभी और रजत एक दूसरे के करीब आते नजर आने वाले हैं। जहां हमने अब तक ये तो देखा है कि किस तरह से रजत ने सभी की लैंग्वेज यानी कि मराठी सीख कर किस तरह से सबके सामने उन्हें इम्प्रेस किया और ने थैंक यू बोला, और अब हम देखने वाले हैं कि सभी भी रजत की लैंग्वेज यानी कि गुजराती सीखकर उन्हें हीरो कहती नजर आने वाली है, सबके सामने उनकी तारीफें करती नजर आने वाली है, और अनलकली ही सही वहां पर आशिका भी मौजूद होंगी। तो अब आशिका जो कि ऑलरेडी सभी और रजत के करीब आने से काफी ज्यादा परेशान है, वो एक साथ दोनों को नहीं देख सकती हैं, अब वही आशिका लेती नजर आने वाली है रजत की सबसे बड़ी कमजोरी का सहारा रजत और सभी के बीच में फूट डालने के लिए, और वापस से रजत को आशिका यानी कि अपने पास लेकर आने के लिए, और वो होने वाले हैं कियान। जी हाँ फैंस, जहां पर कियान का सहारा लेकर आशिका रजत को उनकी मजबूरी का एहसास दिलाएंगी कि किस तरह से आशिका की हार की वजह तो रजत है ही, पर अब जब आशिका को है उनकी जरूरत तब वो वहां पर मौजूद नहीं है। देखने वाली बात ये होगी फैंस कि जिस तरह से कियान की वजह से कियान के थ्रू रजत को वापस से अपने पास लेकर आना चाहती है आशिका, उसमें क्या वो कामयाब होंगी। क्यों? क्योंकि सभी तक ये बात पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, सभी भी अब इसमें धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होती नजर आएंगी। तो किस तरह से गुमे किसी के प्यार में की कहानी में अब जो आशिका प्लानिंग कर रही है सभी और रजत के बीच में फूट डालने की, क्या वो सच में उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगी, या फिर सभी और रजत की ये जो बॉन्डिंग ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच चुकी है ये आशिका का प्लान कर देगी पूरी तरह से फ्लॉप जाने के लिए। स्टॉप उसकी शो गुमे किसी के प्यार में लगातार देखते रहिए, टेलीमॉम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।